हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। और मैं हूँ दिल्ली का ड्राइवर और इस टाइम पर आया हूँ मैं प्रताप बाग। दोस्तों मैं आपको कुछ प्रताप बाग की लोकेशन दिखाऊंगा और इस टाइम पर मैं हूँ इंडस्ट्रियल एरिया। थोड़ा सा माल लेकर आया था फराज भाई के साथ, उनको साथ लेकर आया हूँ आज। और दोस्तों आप मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों इस टाइम पर मैं हूँ प्रताप बाग में और प्रताप बाग में आपका मेट्रो का काम चल रहा है बहुत ही तगड़ा और बहुत ही तेज़ी से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगने लगा है, पहले जो है बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता था पर अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है। ये देख रहे हैं आप, मेट्रो का काम चल रहा है और आगे एक राइट में कट आएगा जो आपका जा रहा है अशोक विहार, और अशोक विहार से आप इंदर लोग भी निकल जाएंगे और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर आप निकल सकते हैं। और जैसे शास्त्री नगर मेट्रो हो गया, प्रताप नगर मेट्रो हो गया और ये राइट से जो रास्ता आ रहा है ये आपका जा रहा है अशोक विहार। ये देखिए दोस्तों, ये फ्लाईओवर चल के नीचे उतरेंगे तो आप अशोक विहार निकलेंगे और यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा आज़ाद मार्केट की तरफ और सीलमपुर, क्योंकि मेरे पास बैठे हुए हैं फराज भाई, उनका माल लेके आया था। मैं माल उतार के वापसी जा रहा हूँ। यहाँ पे मेट्रो का काम बहुत टाइम से चल रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और राइट हैंड पे बैंक्वेट हॉल है और आगे एक गुरुद्वारा है जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़बरदस्त गुरुद्वारा बना रखा है और मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों ये देखिए, ये है आपका गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहिब, ये बहुत बड़ा गुरुद्वारा है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना रखा है इसको। और ये आज़ादपुर वाले रोड पर पड़ता है, ये इस साइड में आज़ादपुर है और इस साइड में आपका आज़ाद मार्केट है। बाड़ा इंद्राव निकल जाएंगे, पहाड़गंज निकल जाएंगे, ये काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा बना रखा है यहाँ पर। और आप पहाड़ी से भी इधर आ सकते हैं मॉडल टाउन होते हुए। और ये आपका क्या नाम है इसका, संगम पार्क का रास्ता है जो प्रताप बाग में पड़ता है, देख सकते हैं। और यहाँ से भी आप अशोक विहार निकल जाएंगे अंडर पास होते हुए और ये पहाड़ी पे से रास्ता आ रहा है मॉडल टाउन होते हुए, यहाँ पर आप से आराम से आ सकते हैं। और ये आपका आ गया दोस्तों गुड़मंडी रोड, ये आपका गुड़मंडी लगता है और आगे कमला नगर मार्केट है, बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट बना रखी है वो। और इसके अंदर से हम निकलेंगे, ये गुड़मंडी कहलाता है दोस्तों और ये भी प्रताप बाग में ही लगता है। और आगे शक्ति नगर पड़ेगा और वहाँ पर एक उत्तम टी वाले हैं जो इनकी चाय की पत्ती बहुत ही ज़बरदस्त होती है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जो आगे जाके उत्तम टी वाले हैं। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं शक्ति नगर से होते हुए आज़ाद मार्केट और आपको कमला नगर की मार्केट भी दिखाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें और मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। ये देखिए दोस्तों, ये राइट हैंड पे आपका जो है पार्क बना हुआ है और ये शक्ति नगर की रेड लाइट आ गई है। अगर यहाँ से भी निकलेंगे तो आप पहाड़ी पे जाएंगे जो कि इंदौरा हॉस्पिटल है, वहाँ पर कश्मीरी गेट भी निकल जाएंगे। अभी फ़िलहाल रेड लाइट हो रही है। और दोस्तों ये रहा आपका उत्तम चाय, इनकी चाय की पत्ती बड़ी ज़बरदस्त होती है और चाय में पीने में मज़ा भी आता है। ये फराज भाई ने यहाँ से पत्ती ले ली है, अब यहाँ से हम निकल जाएंगे। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ सब्ज़ी मंडी घंटाघर की तरफ और ये आपके राइट लेफ्ट हैंड पे मार्केट है और आगे ही कमला नगर है। और मुझे जहाँ तक मेरा अनुमान है आगे ट्रैफिक लग रहा होगा घंटाघर के पास, क्योंकि इस रोड को वन वे कर रखा है और बहुत ही पतला सा रास्ता है, बहुत ही ज़बरदस्त जाम लगता है। और दोस्तों ये लेफ्ट हैंड पे चल रहा है भंडारा। दोस्तों दिल्ली में बहुत ही ज़बरदस्त भंडारे चलते हैं, बारह मास भंडारा का टाइम रहता है और सब्ज़ी पूरी बड़ी मज़े की होती है और हर जगह भंडारा आपको मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, वो रहा आपका सामने घंटाघर और मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा और उसके बाद देखते हैं कहाँ पे निकलते हैं। दोस्तों यहाँ तो जाम लग रहा है, मैं वहाँ से भाग के आया। ये रहा आपका कमला नगर मार्केट और बीच के गोल चक्कर पे बहुत ही ज़बरदस्त मॉल बना रखा है। ये सामने मॉल है, मैं आपको मॉल दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कमला नगर मार्केट में मॉल बना हुआ है और बड़ा ही अच्छा मॉल है ये। कभी भी फुर्सत में आऊँगा वाइफ के साथ, मैं यहाँ ज़रूर घूमूंगा। देख सकते हैं ये पूरी मार्केट है और बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, सस्ते भी कपड़े मिलते हैं और महंगे भी मिलते हैं, यूनिक चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर।
और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पर कपड़ों की, जूते की, और शोरूम बना रखे हैं। और यहाँ पर आपका जो है इंस्टीट्यूट भी, वो कॉलेज भी है, सॉरी कॉलेज वगैरह भी यहाँ पर है। हंसराज कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज हैं यहाँ पर। ये रहा आपका राइट और लेफ्ट में मार्केट, और मैं बंगलो रोड होते हुए जाऊँगा, और लेफ्ट हैंड पे अभी आगे बंगले वगैरह आपको दिखाता हूँ मैं। देख सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट है, और बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट बना रखी है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो ये आपका कमला नगर मार्केट आपका आज़ाद मार्केट के पास पड़ेगा, और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और सस्ते और महंगे सारे कपड़े यहाँ मिल जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, बड़ी नामी ग्रामी कंपनियाँ यहाँ पर हैं, और शॉपिंग के मामले में आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और दोस्तों बहुत सिंपल सा रास्ता है यहाँ का, किसी ऑटो रिक्शे को पकड़ें और उनसे बताएँ तो आपको बंदा ले आएगा। जिन लोगों को नहीं पता है तो वो ऑटो ड्राइवरों से पूछ सकता है। ये देख सकते हैं राइट में और लेफ्ट में कितनी बढ़िया मार्केट बनी हुई है। और आगे से दोस्तों मैं राइट हो जाऊँगा और फिर निकलूँगा मैं कश्मीरी गेट से भी सीलम। ये दोस्तों मैं आ गया बंगलोर रोड पर, मेरे लेफ्ट हैंड पे बंगले बने हुए बहुत बड़े बड़े, और ये मार्केट देख सकते हैं आप। यहाँ पर सेल्स वगैरह भी बहुत अच्छी लगती हैं, और बहुत अच्छा टाइम पास होगा अगर आप फैमिली के साथ आएंगे यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त। दोस्तों यहाँ एक पार्टी वाला था तो मैं उसकी शेरवानी एम्ब्रॉयडरी करता था, तो यहाँ पर आना जाना लगा रहता था, और काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ आए हुए, आज बहुत सालों के बाद मेरा यहाँ पे आना हुआ। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।